सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, हमने जो लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, समय और ऊर्जा का प्रबंधन, उसमें हमने आधा लेसन पढ़ चुके थे, यानी ऊर्जा को बचाने के तरीके तक हम पढ़ चुके थे कि ऊर्जा के बचाने के तरीके क्या क्या है। जैसे कि उसमें हमने कार्य को बांटा था ऊर्जा के आधार पर, जैसे कि भारी कार्य है, सामान्य कार्य, हल्की गतिविधियों वाले कार्य। अब हम इस लेसन को आगे से पढ़ेंगे, तो ये कुछ गतिविधि दे रखी है जिसको आपको करना है। बहुत ही आसान है कि पिताजी भारी कार्य तो कौन से करते हैं, सामान्य कार्य कौन से करते हैं, हल्के कार्य कौन से करते हैं, इसी तरह माताजी के भारी कार्य कौन से होते हैं और हल्के कार्य कौन से हैं, सामान्य कार्य कौन से और आपके खुद के, तो इस तरह से आप उसमें कर सकते हो। ये कुछ गतिविधि है, वो आप आराम से करना, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से करते, यानी इस लेसन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से सुना है, तो इसको आप कर पाओगे। अगला है ऊर्जा बचाना, यानी ऊर्जा आप किस तरह से बचा सकते हो। तो ऊर्जा बचाने के क्या क्या तरीके हैं, हमने पहले समय बचाने का तरीका पढ़ा था कि समय हम कैसे बचाएं, सामंजस्य यानी डाउट टेलिंग से हम कार्य कर सकते हैं समय बचाने के लिए, ठीक है, एक से दो कार्य एक साथ कर सकते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक साथ हम किए जा सकते हैं। अब है ऊर्जा बचाना, ऊर्जा यानी हमारी शरीर की ताकत को बचाना ताकि हम जल्दी से थके नहीं। तो अब इस लेसन को देखते हैं। अब आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अंतर कर सकते हैं जिनके लिए विभिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं जिसमें लिए हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम भारी कार्यों से बच नहीं सकते, यानी ऐसा नहीं है कि हम भारी कार्य को छोड़ दें, क्योंकि वो भी हमें दिन अपने दिनचर्या में करने होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को हर प्रकार के कार्य करने होते हैं, इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को बचाने की विधियाँ सीखनी चाहिए। विभिन्न गतिविधियों को करते समय अपनी ऊर्जा को बचाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। तो वो तरीके कौन कौन से हैं, जैसे कि कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में विखंडित करें, यानी जो भी आपके कार्य है ना उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। जैसे कि एक कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में अनेक गतिविधियाँ करनी होती है, जैसे कि कपड़ों की देख रेख तथा रख रखाव पाठ में आपने कपड़ों को धोने की विधि सीखी। अब कपड़े धोने के कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में विखंडित करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कपड़ों को अलग करना तथा यथा सूती, रंगीन, सफ़ेद आदि कपड़ों को कुछ समय के लिए साबुन डिटर्जेंट के घोल में रखना। कपड़े के गंदे भाग को रगड़ना, इसमें साबुन डिटर्जेंट को निकालना भी शामिल है। तत्पश्चात उन्हें निचोड़ना और सुखाने के लिए तैयार या सुखाने के लिए तार पर डालना। तो आपने क्या कार्य को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिया। आप सीधे ही उसको धोने बैठ जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसका मैल भी नहीं गलेगा इतनी जल्दी, तो भीगे हुए कपड़े रहेंगे और अलग अलग छटे हुए कपड़े रहेंगे, तो आपको उसको धोने में भी आसानी रहेगी। सभी अतिरिक्त संचालन को हटा दें और गतिविधियों का संयोजन कर लें, यानी फालतू की जो भी गतिविधियाँ हैं ना उसको आप हटा दो, और जो गतिविधि मुख्य है, मोस्ट है, जिसको करनी ही पड़ेगी, उसी को आप करें। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग इधर उधर भागते रहते हैं किंतु वास्तव में काम कम करते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में कुछ मेहमान आए और आपको उन्हें पानी देना है, आप बार बार रसोई में आकर एक एक करके पानी का गिलास लाते हैं, तो इसमें आपका संचालन तथा हलचल अधिक हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि बेहतर विकल्प यह है कि एक ही समय पर ट्रे में पानी के सभी गिलासों को एक साथ लाया जाए। आपने इस पाठ में पहले ही सामंजस्य के विषय में पढ़ा है, इससे हमें अपने ऊर्जा बचाने में भी मदद मिलती है। यदि आपको कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाना है तो छत की सफाई के लिए भी जाना है तो आप तो दोनों कार्यों के लिए अलग अलग न जाकर एक साथ जाया जा सकता है। इससे छत की सीढ़ियों को दो बार चढ़ने की ऊर्जा की बचत होगी। देखो, अगर मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आए, तो आप दो चार मेहमान आ गए तो क्या आप अलग अलग सबको पानी पिला के बार बार थोड़ी गिलास ला के उसको पानी पिलाओ, इससे तो आप क्या करोगे, थक जाओगे। तो आप क्या करोगे, एक जग लाए पानी भर के, दो चार गिलास डाले, आप ट्रे में उसको सजाया और उसको सबको एक साथ ही पानी का सर्व आपने कर दिया, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको छत पे कोई काम है, तो जैसे आप कपड़े सुखाने जा रहे हो, साथ में आपको छत की सफाई भी करनी है, तो आप क्या करोगे, बार बार छत पे जाओगे तो आप सीढ़ियाँ उतरे वो चढ़ोगे तो आप थक जाओगे, इससे आपकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, आपको थकान जल्दी होगी। तो आप क्या करोगे, एक साथ ही छत का काम करके आ जाओगे, यानी आप कपड़े भी सुखा के आ जाओगे, साथ में छत की सफाई भी कर आओगे। कार्य को बेहतर क्रम में करना, अब ये भी जरूरी है, यानी आप छत पे कपड़े सुखाने जा रहे हो और साथ में छत की सफाई करने भी जा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कपड़े सुखाओगे, छत की सफाई करोगे। जाहिर है कि पहले आपको छत की सफाई करनी है, उसके बाद क्या सुखाने, कपड़े सुखाने, वरना आप कपड़े सुखा के छत की सफाई करोगे तो वो धूल मिट्टी उड़ के और हिले हुए कपड़ों में जम जाएगी, तो कपड़े वापस गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह आपको कार्य को जो है क्रम भी देना है। इसी तरह घर में आप जैसे पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो, तो आप क्या करते हो, तो पहले तो आप और या फिर डस्टिंग करते हो, कपड़े जो है ना, जो आपकी जो अलमारियाँ वगैरह है, ताके वगैरह, उसको झाड़ते हो,
तो इसमें क्रम क्या रहता है कि पहले आपको ताकों को अलमारी को झाड़ना होता है, उसके बाद आप झाड़ू लगाते हो, उसके बाद आप पोछा लगाते हो। ऐसा तो है नहीं कि पहले पोछा लगा दिया फिर आप झाड़ू लगा रहे हो या फिर झाड़ू पहले लगा दी और फिर आपको याद आएगा कि मेरे को डस्टिंग भी करनी है, तो आप फिर डस्टिंग करने लग जाओगे। डस्टिंग यानी जो सामान जो भी आपके ताके वगैरह है वहाँ से धूल है मिट्टी को हटाना होता है, तो फिर वो तो झाड़ू लगाए में वापस कचरा हो जाएगा। तो इस तरह से फिर आपको दोबारा झाड़ू लगाना पड़ेगा, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी और आपका थकान ज़्यादा महसूस होगा। तो जो भी कार्य है उसको आपको बेहतर क्रम में भी बांटना होता है। तो कार्य को बेहतर क्रम से करें, जैसे कि कार्य को उचित क्रम में करना चाहिए, कुछ कार्यों को अन्य कार्यों से पहले तथा कुछ कार्यों को अन्य कार्यों के बाद में करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि फर्श पर झाड़ू लगाने से पूर्व डस्टिंग की जाती है तो झाड़ू लगाने से धूल फिर से फर्नीचर पर लग जाएगी, ऐसे में डस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। छत पर कपड़े सुखाने व छत की सफाई के उदाहरण में कार्यों का सही क्रम होगा कि पहले छत पर झाड़ू लगाया जाए और तत्पश्चात कपड़ों को सुखाने के लिए डाला जाए। तो ये कुछ गतिविधि है, उसका कुछ क्रम दिया, कार्य को किए जाने के लिए उसकी गतिविधि का क्रम निर्धारित करना है यहाँ पर, और संचालन को किस प्रकार आप काम करेंगे तो ये कुछ निर्धारित करना है, वो बहुत आसान है, आप आराम से कर पाओगे। यह इन उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित कार्यों में अनावश्यक संचालन को कम करने के तरीके सुझाव, जैसे कि भोजन परोसना है, भोजन पकाने के पश्चात रसोई को साफ करना, समेटना, बिस्तर लगाना, इसमें आपको जो अनावश्यक संचालन है उसको कम करने की कुछ उपाय बताने हैं। अगला है अपने कार्यों में अधिक कुशल बनना। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें अगर आप बहुत अच्छे से कुशल हो तो उस काम को फटाफट कर दोगे, लेकिन अगर आप उसमें कुशल नहीं हो तो आप सोचोगे मैं कैसे करूँ या किसी और की आपको मदद लेनी पड़ेगी। कार्य को पूरा करने में कुशलता प्राप्त करने से कार्य को पूरा करना आसान हो जाता है। अगर आप किसी कार्य को करने में कुशल है तो उस कार्य को पूरा करना आसान हो जाता है। इससे ऊर्जा की काफ़ी बचत होती है। रंजीता साइकिल चलाना सीख रही है, उसके पिताजी साइकिल को पीछे से पकड़कर चलते हैं ताकि उसे सहारा मिले और साइकिल का संतुलन बना रहे। उसके पिता निरंतर उसका ध्यान रखते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे और धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाए। सही मुद्रा का प्रयोग करना। अरुण छोटे हत्थे वाले परंपरागत झाड़ू से फर्श की सफाई कर रहा है, इसके लिए उसे झुकना पड़ रहा है और झाड़ू भी धीरे धीरे लग रही है, जिसके कारण वह अनर्थक अपना कार्य कर रहा है। तो अनर्थक अपना कार्य कर रहा है यानी कि वो थक जाएगा जल्दी से, उससे अपना कार्य पूरा करने में अधिक ऊर्जा और समय भी लग रहा है क्योंकि उसने इस कार्य को करने की गलत मुद्रा का प्रयोग किया, यानी गलत तरीके का प्रयोग किया है और वह कुशलता से झाड़ू नहीं लगा रहा है। यदि वह लंबे हत्थे वाले झाड़ू का प्रयोग करे तो वह इस कार्य को बिना झुके हुए तथा अधिक दूरी तक झाड़ू लगा सकता है। जिससे उसको अपना कार्य पूरा करने में कम समय और कम ऊर्जा लगेगी। इस प्रकार पढ़ाई करते समय आपको कुर्सी पर सीधी मुद्रा में बैठना चाहिए। लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठकर पढ़ाई करने से गर्दन और पीठ की दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द हो जाता है। सही ऊंचाई पर कार्य करें और उस वस्तुओं को प्रयोग के स्थान के समीप रखें, यानी आपको सही ऊंचाई पर कार्य करना है और वस्तु जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हो तो जो वस्तु है वो आपकी पहुंच के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं बार बार आपको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है या उठ के जाना पड़ रहा है और आपको लाना पड़ रहा है। जैसे कि फर्श पर बैठकर आप लंबे समय तक कपड़ों पर इस्त्री नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे और आपकी पीठ दर्द करने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्त्री करने का स्थान नीचा है और इस्त्री करने, भोजन पकाने तथा या लिखने के कार्य को नीचे बैठकर करना आरामदायक नहीं होता। यदि आप किसी मेज पर रखकर इस्त्री करते हैं जिसकी ऊंचाई आपके हाथों तक होती है तो आपको अपने कार्य हाथों को अधिक नीचे नहीं करना पड़ता और इससे आप अनावश्यक रूप से थकते नहीं हैं। जब आपके कार्य करने की सतह आरामदायक ऊंचाई पर होती है तो आप अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समय की भी बचत होती है क्योंकि आप उस कार्य को अधिक तीव्रता से कर पाते हैं। आप अपनी पाठ्यपुस्तकों तथा कॉपियों में कहाँ रख आप अपनी पाठ्यपुस्तकों तथा कॉपियों को कहाँ रखते हैं? जी हाँ, अपनी पढ़ाई की टेबल के समीप, क्योंकि इससे पढ़ाई करते समय आप उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। यदि आप अपनी पुस्तकों को पढ़ाई की टेबल से दूर किसी अन्य कमरे या रैक में रखते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हर बार आपको उठकर जाना होगा, जिससे आपकी ऊर्जा और समय अधिक लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमें वस्तुओं को उनके प्रयोग के स्थान के समीप क्यों रखना चाहिए। इससे आपको उन वस्तुओं को प्राप्त करने के समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। अगला है श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करना। तो हमने पहले भी अभी उदाहरण दिया था कि जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है ना, ग्राइंडर मिक्सर मशीन है, ये क्या करती है, आपके कार्य को फटाफट करती है और समय भी आपका बचाती है। समय बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। श्रम बचाने वाले बिजली के उपकरणों का
प्रयोग करने से श्रम और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। उदाहरण के लिए, मसालों को पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करना तथा ब्रेड को टोस्ट करने के लिए टोस्टर का प्रयोग करना, इससे व्यापक स्तर पर ऊर्जा और समय की बचत होती है। ये कुछ गतिविधि दे रखी है। अब ये पाठागत प्रश्न दे रखे हैं। बहुत आसान, आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, अब इस पाठ में अगला दे रखा, आपने क्या सीखा? तो हमने क्या सीखा इस पाठ के अंदर, पूरा निचोड़ इसमें दे रखा है, यानी पूरा समरी यहाँ पर दे रखी है। समय और ऊर्जा का प्रबंध क्या है? अपने समय और ऊर्जा का इष्टतम प्रयोग करना ही समय और ऊर्जा का प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन में क्या क्या शामिल है? जैसे कि समय योजना, सभी कार्य को समय पर पूरा करें, विश्राम के लिए समय निकालें, करो। यानी समय प्रबंधन में क्या क्या शामिल, समय प्रबंधन में अगर आप समय योजना बनाते हो तो उससे क्या लाभ होगा कि सभी कार्य को समय पर पूरा करेंगे, विश्राम के लिए समय निकालें और अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल पाएंगे। अब ऊर्जा प्रबंधन में क्या होगा? कार्य सरलीकरण प्रक्रिया का प्रयोग करें, जैसे कि अतिरिक्त संचालन को समाप्त करें, कार्य संबंधी कौशलों को विकसित करें, सही मुद्रा का चयन करें, उचित ऊंचाई पर कार्य करें, वस्तुओं को अपनी पहुँच के करीब रखें तथा विश्राम या श्रम बचाने वाले उचित उपकरणों का प्रयोग करें। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे हैं कि आपने क्या सीखा इसके अंदर, आराम से इसको कर पाओगे। जैसे कि समय योजना तैयार करने के क्या क्या लाभ है, भारी सामान तथा हल्के कार्यों में अंतर बताया, जो हमने अभी पहले पढ़ा है, और एक एक उदाहरण बताना है। एक कार्य की विभिन्न गतिविधियों को श्रेणीबद्ध करना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी सभी कार्यों की जो गतिविधि है उसको श्रेणीबद्ध करना क्यों जरूरी है, उसको क्रम से लगाना क्यों जरूरी है। आप सामंजस्य सबसे क्या समझते हैं? सामंजस्य शब्द यानी डाउटेलिंग हो गया, जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक कार्यों को एक साथ पूरा करना होता है, और यह समय बचाने में किस प्रकार सहायक होता है, उचित उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करें। तो यह हमने अभी पहले पढ़ा है इस लेसन के अंदर ही कि सामंजस्य क्या है, तो वो वाला पॉइंट आप आराम से पढ़ सकते हो। और अपने घर के कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन बनाई है, आपने सब्जी चढ़ा दी बनने के लिए, साथ में आपने वॉशिंग मशीन चढ़ा दी, तो वहाँ सब्जी भी बन रही है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं वहाँ पर, और साथ में अपने बर्तन भी साफ कर लिए। तो ये क्या हुआ, एक उदाहरण हो गया सामंजस्य का। आपकी माँ को 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाना है, परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्य सौंपे गए, आपको घर साफ करने का कार्य सौंपा गया है। इस पाठ से प्राप्त ज्ञान या का लाभ उठाते हुए आप अपने समय और ऊर्जा को बचाने के लिए किस विधि का अनुसरण करेंगे, जिसका अनुसरण आपकी माँ नहीं करती थी? परिवार के अन्य सदस्यों का समय और ऊर्जा बचाने के लिए भी इसकी योजना तैयार करें। तो आपको क्या करना है, एक समय सारणी, जो हमने सीता की समय सारणी पढ़ी थी, उस तरह से आपको भी एक समय सारणी इसमें बनानी है। ये कुछ आपके जो बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, अति लघुतात्मक, इनके उत्तर यहाँ पर दे रखे होते हैं, तो आप यहाँ से भी अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, कई बार यहाँ पर उत्तर गलत भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आप बार बार इस लेसन को पढ़िए ताकि आप आराम से इस लेसन को कर पाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।